दोस्तों शाम का समय होता है। एक लड़का अपनी शरीर की जरूरतों को पूरा करने के लिए दिल्ली के जीबी रोड स्थित तमाम कोठों में से एक कोठे के भीतर पहुंच जाता है। अब जब वो कोठे पे जाता है, वहां देखता है एक से बढ़कर एक हसीन लड़कियां उसके ही जैसे लोगों को इंतजार में सज सवर कर खड़ी थी। एक बहुत ही खूबसूरत लड़की उस लड़के की हाथ पकड़ लेती है और उसके बाद एक कमरे के भीतर लेकर जाती है, जहां पर उस लड़के की हालत काफी खराब हो जाती है। वो उसे कहता है कि इतना भी जुर्म मत करो, लेकिन उसे उस लड़की के द्वारा कुछ ऐसा मिलता है कि जिसकी वजह से वो लड़का बार बार उस कोठे पे जाने लगता है। और एक दिन उस लड़के के साथ कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता है। दोस्तों ये पूरी अनोखी कहानी, पूरी रोचक कहानी, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। पूरी इस कहानी को वीडियो में जानेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक आप कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों ये कहानी होती है दिल्ली की, एक लड़का जिसका नाम कंचन होता है। कई सालों से वो दिल्ली के भीतर काम कर रहा था। एक दिन शाम को उसका मन ऐसा करता है कि वो कोठे पे चला जाए और देखा जाए कि आखिर कोठे के भीतर का नजारा क्या होता है। वो पहली बार कंचन कोठे पे जाता है, काफी डरते सहमते हुए, बहुत ही सावधानी से। लेकिन जैसे ही कोठे के भीतर वो जाता है तो वहां का नजारा देख करके वो दंग रह जाता है। सोचता है कि गजब के लोग हैं, जरा सी लाज नहीं है, जरा सा भी शर्म नहीं है। एक से एक बढ़कर खूबसूरत लड़कियां वहां पे अपने जलवे दिखाती है, अपनी अदाएं दिखाती है। एक उन्हीं में से एक लड़की है जो कंचन का हाथ थामती है और कहती है, आइए सेठ जी आइए, बहुत दिनों बाद आप आए हैं, कहाँ थे आप? तो कंचन कहता है कि मैं तो पहली बार कोठा आया हूँ, कब आपने मुझे यहाँ पे देख लिया? तो कहा, अच्छी पहली बार आए हो, कोई बात नहीं है, पहली बार जो आते हैं उनका स्वागत मैं ही करती हूँ। अब उससे 2000 रुपये लड़की ले लेती है, उसके बाद एक कमरे की तरफ बढ़ती है और कमरे में ढकेलते हुए एक लड़की रहती है, उसे कहती है जरा इसको जरा देख ले और उसके बाद जल्दी भेज, संडे का टाइम है, काफी भीड़ है। उसके बाद जैसे वो दरवाजा के भीतर कंचन जाता है, डरा तो पहले से ही था, उसको कुछ समझ में नहीं आता है कि पैसे कौन लिया और मुझे कहाँ भेज दी, क्या यहाँ पर चल रहा है। लेकिन दोस्तों वो जो अंदर जो लड़की बैठी होती है उसे कहती है, आइए सेठ जी क्या चाहिए आपको? अब वो जैसे ही उसकी आवाज़ कंचन सुनता है, उसका चेहरा देखता है, उसके पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। वो चेहरा कुछ जाना पहचाना ही लग रहा था, वो आवाज़ सुनी सुनाई लग रही थी। वो उसे गौर से देखता है, उसको समझ में नहीं आता कि क्या कहूँ, और उस ये सोचता है कि कहीं इसके नज़र में तो मैं कहीं जाना पहचाना तो नहीं हूँ। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है, लड़की तरफ से कोई हैरानी नहीं होती है। तो वो इत्मीनान से वहाँ बैठ जाता है, उसे कहता है कि क्या नाम है आपका? तो कहती है कि नैना मेरा नाम है। कहती है कितने दिनों से यहाँ पर आप हैं? कहती है मैं बहुत दिन से यहाँ, क्या करेंगे आप ये बात जानकर। लेकिन दोस्तों फिर भी अब वो कंचन के दिमाग में एक अलग सी बात चलने लगती है। कहता है कि मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। नैना कहती है, जा रहे हो, क्या हुआ? कहता है कोई बात नहीं, मैं फिर से आऊँगा, लेकिन जब भी आऊँगा तो क्या तुम यहीं पर मिलोगे? तो कहती है हाँ, मैं तो यहीं पर मिलूँगी, अगर नहीं मिली तो किसी से बोल देना कि मुझे नैना से मिलना है, वो तुमको मुझसे मिलवा देगा। उसके बाद जो ये कंचन होता है लड़का, वो अपने रूम पे वापस लौट जाता है और कमरे पे रूम पे आने के बाद वो सोचने लगता है कि जिस नैना को वो देख रहा है वो आज से करीब 18 साल पहले एक लड़की थी जो उसके साथ 3 सालों तक स्कूल में 6वीं 7वीं 8वीं क्लास में वो पढ़ा करती थी। क्या ये लड़की वही तो नहीं है? और पश्चिम बंगाल के मालदा जिले का रहने वाला वो कंचन होता है और उसके गांव से उस लड़की का गांव 4-5 किलोमीटर दूर होता है, दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते। तुरंत ही वो फोन उठाता है और अपने दोस्तों में से एक दोस्त को कॉल करता है और उस दोस्त को कहता है कि जरा यार उस लड़की के बारे में तो पता करो जिसका नाम प्रतिमा होता है। अब वो कारण पूछता है कि क्या बात है, क्यों उसके बारे में तुम जानना चाहते हो? कहता है नहीं ऐसे ही, तुम जरा पता करके तो बताओ। अब वो उसके दोस्त पता करने की कोशिश करता है तो जो उसको बताता है दोस्तों, उसको इससे उसे पक्का विश्वास हो जाता है कि प्रतिमा सन 2000 से ही गायब होती है, उसका कोई अता पता नहीं होता है। अब जो है वो उसे कहता है कि क्या हुआ, तूने कहीं उसे देखा है? तो पंचम कहता है नहीं यार, मैंने नहीं देखा, बस मैंने किसी से सुना था। तो पंचम का दोस्त बोलता है कि हाँ एक बार वो गई तो उसके बाद फिर उसका कोई अता पता ही नहीं। अब उसका ये शक है वो यकीन में बदल जाता है और उसके बारे में तो सोचने लगता है। वो 1998-99-2000 में वो 3 सालों तक जो है 6वीं 7वीं 8वीं क्लास में ये लड़की पंचम के कंचन के साथ, उस लड़की के साथ पढ़ी थी, उस लड़की का नाम प्रतिमा था गांव में।
वो फिर से वो अगले हफ्ते जाता है कंचन, फिर से वही लड़की कंचन वो का हाथ पकड़ती है और कहता है आइए सर जी आइए, कहाँ थे कई दिन बाद आए हैं। तो कंचन कहता है तुम्हारा एक ही डायलॉग है क्या, मैं तो अभी पिछले हफ्ते ही आया था, तुमने तो 1000 रुपये 2000 रुपये भी ले लिया था, किसी और के पास भेजा था और कह रहे हो कि बड़े दिन बाद आया हूँ। तो कहते अच्छा आप आए थे, चलो उस दिन गलती हो गई थी लेकिन आप कोई बेमानी नहीं होगी तो 2000 रुपये लाए हैं। तो कंचन कहता है कि नहीं आज मेरे पास केवल 400-500 रुपये, मुझे नैना से मिलना। तो कहता है ठीक है 100 रुपये मुझे दे फिर उसे तुझे उसे पास भेज देती हूँ। अब 100 रुपये वो ले लेती है, उसके बाद नैना के पास भेज देती है। नैना एक कमरे में बैठी होती है, जैसे कंचन को देखता है कंचन उस नैना को देख कर खुश हो जाता है, नैना भी पहचान जाती है क्योंकि कंचन की मुलाकात कंचन से मुलाकात हुई थी पिछले ही सप्ते और ऐसे लोग उसको कभी कभी मिला करते थे तो कंचन को पहचान जाते हैं। कहते आइए सेठ जी क्या सोच करके आप आ जाए हैं फिर से। फिर कंचन बैठ जाता है, जब कंचन उससे पूछता है कि क्या नाम है तुम्हारा, कहती है नैना नाम है, मैंने तो बताया ही था। कहता है कितने दिनों से ये काम कर रही हो, तो कहती है बहुत दिन हो गया, क्या करोगे आप इस बात को जानकर। तो कहता है चलो कोई बात नहीं लेकिन मैं एक बात तुमसे पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम सही सही बताओगे। तो नैना पूछती है कि क्या बात मुझसे क्या पूछोगे तो बताओ। तो कंचन कहता है कि तुम भड़कना मत, तुम गुस्सा मत करना, मेरे साथ कुछ उल्टा सीधा मत कर देना, बस मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुमने अपना नाम प्रतिमा से नैना कब रख लिया। अब जैसे ये बात सुनती है नैना उसके आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, हैरानी भरी निगाहों से कंचन को देखती है और कहती है कि कौन हो तुम। तो कहता है मैं कोई भी हूं, क्या तुम प्रतिमा ही हो। अब दोस्तों क्या कहती नैना, और रोने के अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। वो कहती है हाँ मैं प्रतिमा ही हूं लेकिन मैं 18 साल से करीब यहाँ पे काम कर रही हूँ, आज तक ऐसा कोई भी नहीं आया, तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जान रही हूँ। कहता है मुझे नहीं जान रही हो, तुम्हारे साथ में छठी साठी आठवीं क्लास में साथ में पढ़ा करता था, स्कूल का नाम बताता है कंचन, उसी स्कूल में था, मेरा नाम कंचन है। तो तब कहती है कि कंचन वो अब लड़की नैना नहीं पहचान रही थी, वो फिर दो तीन लड़कों का नाम बताता है, उसके साथ जो लड़कियां बैठी पढ़ती है एक दो नाम लोगों का नाम कंचन को याद था, उसके बाद टीचर शिक्षक का नाम याद था। तो कहती है कि हाँ मैं प्रतिमा ही हूँ और इन सबको मैं जानती हूँ। उसके बाद वो काफ़ी रोना शुरू कर देती है, रोने लगती है, कहती है कि 18 सालों से मेरी जिंदगी यहाँ पर बीत गई, 16 साल की उम्र था जब मुझे इस दलदल में फंसा दिया गया था, आज मैं 34 वर्ष का हूँ। नैना कहती है मैंने तो उम्मीद ही छोड़ रखी थी कि इस जन्म में भी मेरे अपनों से किसी से मेरी मुलाकात होगी। क्या तुम्हें मेरे माँ बाप के बारे में कुछ जानकारी है, क्या वो जिंदा है, क्या तुम्हें मेरे भाई बहनों मेरे पूरे परिवार के बारे में कुछ जानते हो, वो गाँव कैसा है, वहाँ के लोग अब कैसे हैं। कंचन कहता है कि सब कुछ ठीक है, सब बढ़िया, तुम्हारे माता पिता भी ठीक हैं और तुम्हारे बहन भाइयों के बारे में तो मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं, लेकिन जब माता पिता हैं तो वो सारे लोग भी अच्छे ही होंगे। अब कंचन जानने की कोशिश करता है नैना से, उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे आई कब। तो कहती है कि मुझे खुद नहीं पता कि कैसे आई, पर इतना ही पता है कि मैं स्वेटर बनाने के लिए ऊन खरीदने के लिए जा रही थी और वैसे ही कार मेरे पीछे आती है और मुझे कार के भीतर खींच लिया जाता है। उसके बाद कितने दिन कितनी रातें बीत गई मुझे खुद ही नहीं पता कि मैं यहाँ पर कैसे आई और मेरे साथ क्या क्या हुआ। 6 महीने तक तो मैंने सूरज की रोशनी तक भी नहीं देखी थी, उसके बाद मैं यहाँ पर ला करके पटक दी गई, तब से मैं यही हूँ, मेरे साथ क्या क्या हुआ मैं क्या बताऊँ। यहाँ पे जितनी भी लड़कियाँ हैं सबके यही कहानी कुछ ना कुछ मेरे ही जैसी होती है। हम सारे लोग जब भी फुर्सत में होते हैं तो एक दूसरे का दुख बांट लेते हैं, बाकी तो आप जैसे लोग जो हैं वो तो दिन भर आते ही रहते हैं। फिर कंचन नैना से कहता है कि तुम यहाँ से भाग क्यों नहीं गई, तो उसी पे नैना जवाब देती है कि जब तक हमारी वैल्यू थी, जब तक मैं 30 वर्ष की उम्र की थी तब तक मुझे बाहर निकलना भी नहीं दिया जाता था, और जब मेरी वैल्यू कम हो गई धीरे धीरे तब मैं कभी कभार बाहर भी चली जाती हूँ, जब भी जाती हूँ तो कोई साथ में होता है। अब मैं सोचती हूँ कि जाऊँ भी तो कहाँ जाऊँ, अगर मैं अपने गांव जाती हूँ तो मेरे माता पिता की बदनामी होगी, तो इसलिए मैं भागने की कोशिश भी नहीं करती। हालांकि जब भी जाती हूँ कोई ना कोई साथ में जाता है निगरानी के लिए। उसके बाद कंचन कहता है कि अब क्या तुम सोच रहे हो, क्या तुम्हारी कोई इच्छा नहीं है। तो फिर नैना कहते हैं इच्छाएं तो बहुत थी, सारी मर चुकी है,
ये समझो केवल शरीर जिंदा है, आत्मा मर चुकी है। अब यही इच्छा है कि अपने दूर से अपने परिवार वालों को देख लो, उनका चेहरा देख लो, एक बार अपना गांव देख लो। बस यही अब इच्छा रह गई है, इससे ज़्यादा क्या कुछ कहूँ। कौन है हमारे आगे पीछे हम? तो कंचन कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे गांव ले चलूँगा, तुम्हें मैं अपने घर ले चलूँगा। तो नैना कहती है लेकिन यहाँ से निकल पाना मेरा बड़ी मुश्किल है, अगर मैं किसी तरीके से निकल भी गई तो वहाँ पर तो मुझे लोग एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे, फिर मैं कहाँ जाऊँगी। तो उसी पे कंचन कहता है कि क्या तुम मेरे साथ रह सकती हो? तो कहती है क्यों, तुम्हारी पत्नी होगी, तुम्हारे बच्चे होंगे, तुम्हारे माता पिता होंगे, परिवार होगा, समाज होगा, वो सारे लोग क्या बोलेंगे। तो कंचन कहता है मैं किसी को नहीं मानता, मेरी पत्नी मुझे छोड़ चुकी है, मेरी 11 साल की एक बेटी है जो अपने ननिहाल में रहती है, और जब मैं वहाँ जाता हूँ तभी वो मेरे साथ रहती है, जब मैं दिल्ली आ जाता हूँ तो फिर उसे ननिहाल छोड़ करके आ जाता हूँ। तो इसी पे नैना कहती है कि मेरे इस तरह ज़िंदगी गुजारने के बाद क्या तुम मुझे अपने साथ ले जाओगे, क्या तुम मेरे साथ उठना बैठना भी पसंद करोगे। कंचन कहता है क्यों नहीं, जो कुछ भी हुआ तुम्हारी मर्जी से तो हुआ ही नहीं, मगर तुम मेरे साथ रहने को तैयार हो तो मैं तुमसे शादी भी कर सकता हूँ। ये बात सुनने के बाद जो नैना होती है या जो प्रतिमा होती है काफ़ी फूट फूट करके रोने लगती है, कंचन के गले से लिपट जाती है, लेकिन फिर अगले ही पल वो दोनों अलग हो जाते हैं। फिर नैना कहती है ठीक है वहाँ जाने के बाद तुम मुझे ताने मारोगे, मेरे अतीत को लेकर के गालियाँ दोगे, ये लोग मुझे अगर ताने मारेंगे तुम कैसे इस बात को बर्दाश्त करोगे। कंचन कहता है कुछ भी नहीं होगा, जिसको जो कुछ कहना होगा वो बोलता रहेगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, विश्वास करो कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगा। उसके बाद जो है वो एक दिन अपने प्लान के मुताबिक हॉस्पिटल के बहाने में निकलती है नैना, और उसके साथ जो रहता है उसको चकमा देकर वो कंचन के साथ भाग जाती है और पश्चिम बंगाल अपने गांव मालदा पहुंच जाती है। गांव जब वहां परिवार वाले उसको देखते हैं बहुत खुश होते हैं, हालांकि दोनों जो है पूरी सच्चाई बता देते हैं, ये कहाँ थी, कैसी थी और मैं इसे क्यों लाया हूँ, किस लिए लाया हूँ। अब सारे लोग गाँव वाले उनकी तारीफ कर रहे थे, ये बात और है कि कुछ और महिलाएं थी वो उसको ताना मारने लगती है, लेकिन कंचन जो है उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था उस ताने का। तो 2018 में ये नैना और कंचन की मुलाकात होती है और दोनों एक मंदिर के भीतर शादी होती है इनकी। आज ये प्रतिमा और कंचन उनकी बेटी तीनों खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रह रहे हैं। तो ये है आज की कहानी, आपको कहानी कैसी लगी आप अपने कॉमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, नहीं किसी का दिल दुखाना है, बल्कि आपको जागरूक करना, आपको सचेत करना। अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं